कमीशन है वो भी कर रहा है, और हमारा स्किल मंत्रालय के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट का काम भी इसमें किया जा रहा है। और 14 राज्यों ने अब तक अपनी पॉलिसी बना ली है, और ये जो हम 13 और ऐसे राज्य हैं जो पॉलिसी बनाने की दिशा में आजकल काम कर रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा कि विगत कुछ वर्षों में नेशनल रेल प्लान हो, भारतमाला, सागरमाला जैसी वृहद परियोजनाओं के माध्यम से बिहार के गया में लड़की के साथ पिस्टल लेकर डांस का वीडियो वायरल, आरोपी लड़के की तलाश में पुलिस तेजी से जुटी। यूपी के लखीमपुर खीरी में नाबालिग से रेप मामले में चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, 21 सितंबर तक की रिमांड मिली। दिल्ली में पुलिस ने शातिर झपटमार को गिरफ्तार किया, सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ने पहचान की, झपटमार से मोबाइल फोन भी बरामद किया। यूपी के सीतापुर में पारिवारिक विवाद की वजह से पति पत्नी ने पिया तेजाब, गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के सहारनपुर में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, महिला समेत दो लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। लखनऊ में फैक्ट्री में लगी भीषण आग से अफरा तफरी मची, आग में जलकर एक शख्स की जान गई। राजस्थान के चूरू में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप, करीब 1.5 करोड़ का सामान जलकर राख, आग लगने की वजह साफ नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा टल गया, एक होटल में अचानक लगी भीषण आग, आग की लपटों को देखकर छत से कूदे कई लोग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बिहार के रोहतास के कुमाऊं स्टेशन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, ट्रेन के करीब एक दर्जन डब्बे पटरी से उतरे, एक रेलवे कर्मचारी जख्मी। यूपी के फिरोजाबाद में भारी बारिश से बिगड़े हालात, पूरा शहर जलमग्न हुआ, नगर निगम के दफ्तरों में भी घुसा पानी, कर्मचारी टेबल के ऊपर बैठे नजर आए। यूपी के अलीगढ़ में कुछ देर की बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, शहर में कई जगह जलभराव से लोग बेहद परेशान। यूपी के वाराणसी में उफान पर गंगा नदी, बाढ़ जैसे हालात की वजह से गंगा में चलने वाली नावों पर रोक लगाई गई, दहशत में नदी किनारे रहने वाले लोग। यूपी के अलीगढ़ में एक स्कूल में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप, गांव वालों ने डंडों से काबू में कर कमरे में बंद किया, विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ से ढकी वादियों को देख रोमांचित हो रहे हैं श्रद्धालु। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में सीएम शिंदे और उद्धव गुट आपस में भिड़े, झड़प में पुलिस ने बीच बचाव किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 14वां दिन, केरल के कोची में पार्टी नेताओं के साथ राहुल गांधी ने निकाली पद यात्रा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भरेंगे नामांकन, विधायक दल की बैठक में दिए संकेत। उपराज्यपाल से मिले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी, केजरीवाल सरकार पर DUSIB शौचालयों के रखरखाव में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, प्रतिबंधित कंपनी को शौचालय के रखरखाव से संबंधित टेंडर देने का भी आरोप। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ धरने पर बैठी कांग्रेस विधायक, केंद्र सरकार के फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, नेशनल हाईवे के रखरखाव पर फंड मिलने के बावजूद हालात खराब। महाराष्ट्र में सीएम शिंदे का बड़ा ऐलान, कोरोना काल के दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन के सभी मामले वापस लेगी सरकार। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका और फ्रांस ने की पीएम मोदी की तारीफ, राष्ट्रपति इमैनुअल ने कहा पीएम मोदी ने सही कहा था, यह समय युद्ध का नहीं बल्कि सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने का वक्त है। डॉनबास, खेरसोन और जापोरिजिया में जनमत संग्रह करा सकता है रूस, 23 से 27 सितंबर तक जनमत संग्रह हो सकता है। रूस के रक्षा मंत्रालय का यूक्रेन में भारी नुकसान का दावा, एक दिन में 250 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराने का दावा। मसूद अजहर मामले में बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान का जवाब, कहा बिलावल भूल गए हैं भूगोल, अफगानिस्तान में नहीं है इस्लामाबाद और कराची, बिलावल ने कहा था अफगानिस्तान में है मसूद। यूके के गिलगित बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, पाकिस्तान पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। अमेरिका के दो आइलैंड में फाइना तूफान ने तबाही मचाई, प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। नाइजीरिया में बाढ़ से मची तबाही, सैलाब की वजह से एक हफ्ते में 20 लोगों की मौत, इस साल 300 से ज्यादा लोग। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की कमी आएगी, लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, भारतीय उद्यम एवं प्रोडक्ट्स की कंपिटिटिवनेस में सुधार होगा और देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बल मिलेगा और मेक इन इंडिया को बल भी मिलेगा। और जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बढ़ने तथा मैन पावर की स्किलिंग होने से देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ेंगी। जैसा 4 इसके
पहलू देखे जाएं तो पीएम गति शक्ति के इंफ्रास्ट्रक्चर के तो हमने अलग अलग बातों पर पहले कहा ही था, जो तीन नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत कवर होती हैं, वो एक वेयरहाउसिंग, दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट और तीसरा सिस्टम